हेलो दोस्तों, मैं हूँ मिली। देवर्मा मिलीज किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम खमा की रेसिपी बनाएंगे। त्रिपुरा में इसे खमा कहती है, आपकी यहाँ क्या कहती है मुझे मालूम नहीं। इस खमा को अच्छी तरह से धो लेना है। देखिए, हमने पानी में अच्छी तरह से धोएंगे इसको। इसका ऊपर का जो मिट्टी वगैरह है उसको निकाल लेंगे। हमने खमा को धो लिया है। धोने के बाद इसको टू पार्ट कर लेंगे। खमा के ऊपर का जो छिलका है उसको निकाल लेंगे। देख सकती हैं, आप खमा को ग्लव्स लगा के भी काट सकती हैं, नहीं तो एक खुजली भी हो सकती है। इसका जो खराब वाला पार्ट है इसको निकाल के फेंक देंगे। आप देख सकती हैं, पार्ट थोड़ा सा नरम होती है, नीचे का पार्ट थोड़ा सा सख्त होती है। तो पहले हमने इस सब्जी को रिंग रिंग तरीके से काट लेंगे। उसके बाद देखिए, हमने इसको लंबाई में लच्छेदार तरीके से काट लेंगे। आप जैसे भी काट सकती हैं इस सब्जी को। ऊपर का जो सब्जी खमा है जो, उसको हम थोड़ा सा बड़ा साइज करके काट लिया है। हम अपने किचन गार्डन में जाएंगे। देखिए यहाँ पर बंता पत्ती तोड़ रही हूँ। इस पत्ते को बंता कहती है त्रिपुरा में। आप देख सकती हैं, बहुत ही खुशबूदार होती है। देखिए दोस्तों, हमारे किचन गार्डन से लिया है हमने, और थोड़ी तोड़ लेंगे। इसका जो फ्लावर है वो सफेद कलर की होती है, छोटी छोटी। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर खमा को काट लिया है। आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से काटा है। ग्रीन चिली, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी स्वाद अनुसार नमक, फर्मेंटेड फिश, टू फिश का टू पीसेस लिया है, ऑनियन, गार्लिक और पत्ता पत्ते। बिना ऑयल की बनती है इस सब्जी। पहले हमने देखिए फर्मेंटेड फिश को पानी में अच्छी तरह से धो लेंगे। आप देख सकती हैं, खमा में हमने ऑनियन, फर्मेंटेड फिश, ग्रीन चिली डाल रही हूँ अभी। थोड़ी सी हल्दी पाउडर चुटकी भर डालना है इसमें। स्वाद अनुसार नमक भी डालेंगे। ऊपर से फिर से सब्जियां डाल देंगे। इसकी पीसेस भी डाल रही हूँ। गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है। गैस की फ्लेम को लो में पकाएंगे। पहले हम उसको ढककर पकाएंगे कुछ देर। देखिए 1 मिनट हो जाने के बाद इस सब्जी को अच्छी तरह से मिलाना है। 1 मोक
जितनी गर्म पानी डाल रही हूँ नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। सारी चीजों को अच्छी तरह से मिलाएंगे। किस तरीके से इसको ढककर पकाई है देखिए। 20 मिनट हो जाने के बाद हमारी सब्जी जो है वो हो गई है लगभग। तो हमने अभी फिश को फिश की इस हेड को निकाल के फेंक देंगे। आप देख सकती हैं इसकी जो काटे हैं इसको भी निकाल के फेंक देंगे नहीं तो खाने में दिक्कत हो सकती है। देखिए काटे को हमने किस तरीके से निकाल कर फेंक दिया है। इस सब्जी थोड़ा सा सूखी सूखी होती है। गार्लिक डालना है अभी इसमें और बांती के पत्ते। बांती के पत्ते और गार्लिक डालकर फिर से इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे और थोड़ी देर ढककर पकाएंगे। देखिए दोस्तों हमारे सब्जी पूरी तरह से हो गई है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अगर आप लोगों का मेरा ये बिना ऑयल की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ।